अस्सलाम वालेकुम, आ गए हैं चार होशिया बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। ये लाइन में बोलता रहूंगा जब तक ये लाइन पूरी दुनिया सुन नहीं लेती। और आज और मैं तो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि विराट कोहली, आप फिर कहेंगे तुम घुस गए कोहली के अंदर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ नैन भाई, आज का मैच केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स वन ऑफ द बेस्ट मैच हुआ है आईपीएल का। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विराट कोहली जो है उनकी सेंचुरी का कंपैरिजन जो है वो हम सुनील नारायण के सैकड़े से करें या बटलर के सैकड़े से करें, आज आप मुझे ये बता दें, क्योंकि मैंने आज अस्टीने चढ़ाई हुई, आज नहीं छोड़ूंगा। आप किसी से भी कर लें, वो उनकी सेंचुरी नंबर 3 पे ही आएगी उन दोनों के मुकाबले में। कोहली नंबर 1 है मगर, या हुनैन पे यार आज के मैच में बात कर लो, या फिर कोहली भी कुछ गया, पूरा शो कोहली भी निकाल देगा। अबे तो भाई तुम देखो ना कैसे बटलर ने, ये तो मुझे जज्बाती कर देते, कैसे उसने किया है चेज 42 बॉल्स, उसकी बात कर लो, 67 रन उसकी बात। इसका मतलब ये लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कोहली में से बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं, आप भारी नहीं आते। आप बटलर की बात करो, उसने क्या किया। मैं देखो, मेरा काम है यहाँ पे मैच की बैठ के बात करना और लोगों को सही एनालिसिस देना, हकीकत का सामना कराना, कि मैं कोई वो रिपोर्टर नहीं हूं, मगर रियलिटी बताना मेरा काम है। 42 बॉल्स 67 बटलर खेल रहा था एक सिचुएशन पे, और कैसे उसने सेकंड इनिंग में अपनी इनिंग को लेके गया और मैच को फिनिश किया। विराट कोहली भी ऐसा करते थे माजी में, आज से 5 साल पहले। अब विराट कोहली वो नहीं कर सकते। इस बात को जितना जल्दी इंडियन टीम और इंडियन फैंस समझ लें, ये उनके लिए बेहतर होगा, वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बनती। मुनैन भाई आज के मैच पे बात। सुनील नारायण हैज नथिंग टू लूज, वो सेंचुरी करे, पहली बंदे ने T20 सेंचुरी की है। कोहली की जरा सेंचुरी निकालो कितनी कर चुका है वो। मैं इसको इनको जवाब देना, इसको निकाल के बताओ, मारना तो इसने है नहीं, छोड़ो। एक आदमी ने एक सेंचुरी की है अपनी लाइफ की, उसको नथिंग टू लूज। कोहली हैज अलॉट टू लूज, उसको अपने आप को प्रूफ करना है, क्योंकि उसने पाकिस्तान इंडिया को जिताना है और इतनी सेंचुरी कर चुका है। आज के मैच की बात करते हैं, देखो बटलर ने मैच जिताया, बटलर ने सेंचुरी की 55 बॉल्स पे, सही है। सुनील नारायण ने सेंचुरी की फर्स्ट इनिंग में 49 बॉल्स पे। फिर राजस्थान कैसे जीत गया और केकेआर कैसे हार गया, बटलर ने तो उससे स्लो सेंचुरी की, अगर सुनील नारायण से कंपेयर करो। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको जो हमेशा बताता हूँ ना, बाकी प्लेयर्स का रोल। आप रायन पराग देखो कैसे खेल के गया, रोमन पावल देखो कैसे खेल के गया, तो दूसरे प्लेयर्स का भी रोल होता है। जहां बटलर या विराट कोहली या रोहित शर्मा जो सेकंड इनिंग में जो सेंचुरी कर रहे हैं, सही है, जो भी सेंचुरी कर रहे हैं, अगर वो अपना रोल के हिसाब से खेल रहे हैं तो कहीं वो एक्सेलरेट करेंगे, कहीं विकेट गिरेगी तो एक दो ओवर वो रोक के खेलेंगे तो वहां बॉलें जाएंगी भी। Agreed. दूसरा काम है कि वो 30-35 रन तेज करके बेशक चले जाएं, सही है, ये एंड तक खड़े रहे, तो इस वजह से कभी कभार बॉल ज्यादा हो जाती है। जो आपको रीजन मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूँ ये, वरना तो उस रीजन के हिसाब से तो फिर राजस्थान रॉयल्स को हारना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने, उनके ऊपर रख के चांटा दिया। ये जो अभी रख के चांटा गया ना, अभी ये रिबाउंड होगा इनके ऊपर। इनको ये बताओ भाई कि जब पहली इनिंग में कोई बैटिंग कर रहा होता है ना, तो उसका जो तरीकेकार होता है वो खेलने का अलग होता है। विराट कोहली को अब ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि पहली इनिंग में कैसे बैटिंग करनी है, सेकंड इनिंग में। हालांकि विराट कोहली माजी में ये कर चुके हैं, सेकंड इनिंग में चेज मास्टर उन्हें कहा जाता था तो उन्हें पता होता था कब एक्सेलरेट करना है, कब बढ़ना है। मगर पहली इनिंग में भी अगर तुम सेल्फिश होकर अपने सेकंड के लिए खेलोगे, जहां 250 रन बनने, जहां 225 रन बनने, और तुम 69 बॉलों पर 100 करके जाओगे, तो लोग आवाज उठाएंगे, लोग बात करेंगे, क्योंकि लोगों को यहां बहुत क्रिकेट की समझ है, सबको मालूम है, सबको नजर आ रहा है। आपको स्टैट्स बता रहे हैं कैसे बटलर ने 42 बॉल 67 तक खेल रहा था और उसके बाद उसे कैसे एक्सेलरेट किया। हालांकि उसके इर्द गिर्द 8 खिलाड़ी आउट हुए, उसके बावजूद उसको मालूम था मैंने क्या करना है, मेरा मैंने कहां एक्सेलरेट करना है, किधर करना है, कैसे करना है, और उसने उस इनिंग को उस तरह से पेस किया। मुझे जो सबसे ज्यादा एतराज हुआ ना विराट कोहली की पहली इनिंग में सेंचुरी पे, कि वहां उसने गंदी बैटिंग करी। अबे रुक भी जा भाई, हमें भी जवाब दे दे, रुक जाओ ना, मेरा एतराज सुन लो ना, बकवास करे जा रहे हैं, बकवास सुन लो ना पूरी। विराट कोहली ने सेंचुरी करी इंतहाई गंदी घटिया, और उस पे कमेंटेटर्स कह रहे वाओ व्हाट अ इनिंग। ये है मेरा एतराज कि उसको गिराना नहीं है। अच्छा अब आप कहो चुप, नैन मैंने आपको बात समझाई, आपने वो सुनी? मैंने सुनी बिल्कुल। क्या क्या समझा उन्होंने, क्या बात बोली थी? कि कहीं जो है वो हल्का होता है, कहीं वो तेज होता है, वो सिचुएशन को देखता है सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है। सेकंड इनिंग में अगर आपने इस तरह चेस पे जा रहे हो तो एक हर आदमी का एक रोल होता है, प्लान वो, उसमें बटलर का वो रोल था या इसका वो रोल था, जिसमें आपने अगर उसका रोल में उठाऊं, पिछले मैच में आप बकबक कर रहे थे, 40
20 बॉल्स विराट कोहली स्ट्राइक रेट, विराट कोहली नहीं स्ट्राइक रेट, रोल उसका वही था जो बटलर का स्ट्राइक रेट 210 का स्ट्राइक रेट सही है। इधर आप आ जाओ नारायण पे, जवाब आता है जब नारायण की तारीफ करते हो ना, नारायण और उसका रोल ही अलग है। नारायण वो एक तरह के बैट्समैन नहीं है, आपने अभी बताया पहली T20 की सेंचुरी की उस बंदे ने, पहली और वो भी मैच हार गया। अब हमको नथिंग टू लूज है ना यार, वो कुछ करे ना करे फर्क नहीं पड़ेगा, वेस्ट इंडीज टीम में है नहीं, वो T20 इधर उधर मुंह मार के वो खेलता रहता है। विराट कोहली उस लेवल का प्लेयर है, विराट कोहली तो उससे बहुत बड़ा, वही बता रहा हूँ, तो उसपे प्रेशर डिफरेंट है, उसपे प्रेशर अलग है, आप कंपेरिजन है ही नहीं, इवन के प्लेइंग स्टाइल का कंपैरिजन नहीं है। हम सच भी ना बोले, नहीं आप सच ना बोलो, आप अंधों की तरह मत बोलो सर। उनैन भाई आप तुम एक ही बात बार बार करते रहते हो, तुम ये देखो आज हाईएस्ट चेज हुआ है ना, वो उस दिन 287 बना था और आरसीबी ने 262 बना दिया था, बहुत ज्यादा रन पड़ गए थे, वो चाहे कुछ भी कर लेते नहीं होते। अब आप बटलर और नारायण की आज की सेंचुरी ले लो या विराट कोहली और रोहित शर्मा की सेंचुरी ले लो, वो उनसे स्लोएस्ट थी। रोहित शर्मा ने बनाई थी 61 बॉल्स पे और विराट कोहली ने बनाई 69 बॉल्स पे। मसला ये होता है बटलर और नारायण जिस टाइप के प्लेयर है ना, ये खेलते हैं बॉलर टू बॉलर, सही है। और जो ये प्लेयर्स है ना, जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा या विराट कोहली या बाबर हो गया, ये खेलते हैं बॉल टू बॉल, सही है, बॉल टू बॉल खेलते हैं, बॉल जिस मेरिट पे उसको मारते हैं, समझ में आया। और वो बॉलर टू बॉलर इस तरह खेलते हैं कि बॉलर को अगर इस बॉलर को लूटना है ना, तो फिर उसकी मेरिट वेरिट गई तेल लेने, बटलर और नारायण वो इस तरह खेलते हैं। तो इस वजह से ये भी फर्क आ जाता है, बैट्समैन की ग्रेडिंग का भी फर्क होता है ना, आप उनको प्योर बैट्समैन कहते हो, इनको आप हिटिंग हिटिंग बैट्समैन कहते। पिछले आपकी इस बात से मुझे विराट कोहली के पिछले मैच का एक वो सीक्वेंस याद आया, एक ओवर का पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल चौका, तीसरी बॉल बल्ले के नीचे आगे पड़ा हुआ, विराट कोहली ने टैप किया और सिंगल भाग गया। सही है, एक वही मसल मेमोरी कह लो उसको, एक जो उसकी आदत है ना वो, चौका चौका सिंगल या चौका चौका। तो जब आप 288 का रन टारगेट चेस कर रहे हो, तो आप दो चौके मार के बल्ले के नीचे का बॉल अपने मसल मारना चाहिए, मारना चाहिए था उसको, मैं ये बोल रहा हूँ मारना चाहिए था। वो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हो, पिछले मैच की बात है, पिछले मैच की बात है, वो यही, वो इतना बड़ा टारगेट था, उसको मारना ही चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से वो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बॉल टू बॉल खेलते हैं वो, यही फर्क है। इसी वजह से सारा गेम ही बैट्समैन फोकस इसलिए होता जा रहा है, क्योंकि माज भाई जो उन्होंने ने बात की कि ब्रॉडकास्टर दूसरा छक्का जब जाता है चौका जाता है ज्यादा शोर मचता है ना यार, जब बोल्ड होता है जब भी तो शोर होता है, इतना नहीं होता ना। विराट कोहली की बोल में खामोशी होती है ग्राउंड में, ग्राउंड खामोश हो जाता है जब विराट कोहली आउट होता है, जो तुम्हें बुरा, तुमसे तुम्हारा सिर्फ दिल नाच रहा होता है, बाकी सब रो रहे होते हैं। तो मजा बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपको कह रहा था ना, जो वो 34 रन बना के तेज गया, तो उस टाइम पे बटलर को थोड़ा सा आराम करने का मौका मिल गया। 44 रन करके गया वो विराट कोहली, विराट कोहली है पराग पराग बच्चों बोलो ना, विराट कोहली, विराट कोहली पराग पराग, विराट कोहली जकिंग नहीं कहो ना, चुप कर उनैन भाई। तो आज का हम खबरनामा इधर ही खत्म करते हैं क्रिकेट आईपीएल पे, और आप अगर यहाँ तक आ गए तो दबाते रहे बटन को सब्सक्राइब के और लाइक करते रहे बटन ये देखिए बटला है, जब बार बार दबाते हैं ना इनको, वो लोग समझते बार बार दबा रहे हैं, जब बार बार दबाते हैं तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, ये नहीं करना, ये नहीं करना, या बहुत सारे लोगों को दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे, ऐसे कहें बार बार दबाते रहे, बार बार आप दबाते रहे भाई, आप भाई साहब जी, भाई आप दबाते रहे सब्सक्राइब के बटन। अल्लाह।